बच्चों, आज आपके लिए एक राजा रानी की कहानी लेकर आई हूँ। और कहानी का शीर्षक है सबसे अच्छे दिन। आप लोग अक्सर बोलते रहते हो, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन ऐसा है, आज का दिन वैसा है। पर हकीकत यह है कि सारे दिन एक जैसे होते हैं। हमें कौन सा अच्छा दिन है, कौन सा बुरा दिन है, ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छे दिन सभी होते हैं, लेकिन इस कहानी में सबसे अच्छे दिन क्या बताए जा रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उनके पास किसी की कमी नहीं थी। उसके चार बेटे थे। चारों के चारों रूपवान और समझदार थे। एक दिन दूर दराज की सोचकर अपनी बड़ी बहू से उसने पूछा, बहू यह बताओ कि कौन से दिन सबसे अच्छे होते हैं। बहू ने कहा, पिताजी सबसे अच्छे दिन गर्मी के होते हैं। ना कहीं कीचड़ होता है, ना कपकपाने वाली सर्दी होती है। गरीब अमीर सभी के लिए सुखदाई होती है। गरीब को कपड़ों की चिंता नहीं होती, बेबे मौत नहीं मरते। खुला खुला माहौल सबको अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी कुल्फी, बर्फ का गोला, तरह तरह की लस्सी, मन भावन शरबत किसको अच्छे नहीं लगते। फल भी कितने अच्छे कि नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस समय मिलने वाले आम तो फलों का राजा कहलाता है। तरबूज और खरबूजों का तो क्या कहना। लंबी पतली ककड़ी तो सबको जकड़ ही लेती है। ठंडा खीरा भला किसने नहीं भाएगा। न किसी को घर टपकने की चिंता होती है, न पानी भरने की। अमीर गरीब सभी सुखी हैं। अब आप ही बताइए, हुए ना सबसे अच्छे दिन गर्मियों के दिन। सेठ ने विचार करते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम हर साल देखती हो कि गर्मी में कितनी बीमारियां फैलती हैं। कितने ही लोग लू लगने से असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। मच्छर मक्खी के बाढ़ सी आ जाती है और तरह तरह की भयानक बीमारियां फैलती हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। पानी की किल्लत हर जगह हो जाती है। चारों ओर गर्मी से त्राहिमाम त्राहिमाम मची होती है। पेड़ पौधे सूख जाते हैं। हरियाली के लिए आंखें तरस जाती हैं। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ये दिन अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं। बहू को सेठ जी की बात भी उचित लगी। उसने सहमति में सिर हिलाया और अपना सिर झुका लिया। सेठ के चेहरे पर असंतोष नजर आया। उसने उससे छोटे बेटे की बहू से यही प्रश्न पूछा। उसने कहा, सर्दी के दिन सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि तब ना लू चलती है, ना तपन होती है, ना उमस होती है, और न सीलन, न उससे उपजी दुर्गंध। शीतल मन, सुगंध, पवन सबके मन को भाती है। चारों ओर खुशनुमा माहौल होता है। सेहत के लिए भी ये मौसम बहुत अनुकूल होता है। इस समय भरपूर स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां होती हैं। सेब, अंगूर, अंजीर, पपीते, चीकू, चेरी आदि फल सबके मन को भाते हैं। गर्म कपड़े पहनकर सभी इस मौसम का मजा ले सकते हैं। थोड़ी सावधानी और भरपूर मजा, यही तो सब चाहते हैं। मेरी समझ से ये दिन ही सबसे अच्छे होते हैं। सेठ जी बहू के विचारों से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा, बहू प्रतिवर्ष कितने ही लोग सर्दी और ठिठुरन से मर जाते हैं। गरीबों का जीवन मुश्किल हो जाता है। बिना कपड़ों के ठंड से ठिठुरते हुए समय निकालते हैं। कटते वनों से लकड़ी की कमी हो गई है, जिससे अलाव जलना भी अब मुश्किल हो गया है। ऐसे हालातों में जीना बहुत दुरू है। सेठ जी की आंखों में निराशा उतर आई। उन्होंने तीसरे बेटे की बहू की ओर आशा से देखा। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी सबसे अच्छे दिन पावस यानी बरसात के होते हैं, क्योंकि वर्षा से वातावरण का रूप ही बदल जाता है। पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। काले काले बादल मन को मोह लेते हैं। भीषण गर्मी से निजात मिल जाती है। प्यासी धरती की प्यास बुझती है। किसानों के लिए तो ये वरदान है। उनके चेहरों पर चमक आ जाती है। खेती का कार्य शुरू हो जाता है। वर्षा नहीं होती तो अन्न भी कैसे पैदा होता। बिना अन्न के तो जीवन भी संभव नहीं है। अन्न ही तो सबसे बड़ा देवता है, हम सबके जीवन का आधार है। मेरी राय में तो सबसे अच्छे दिन यही होते हैं। सेठ जी ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका से क्या तुम परिचित नहीं हो।
हर साल कितना नुकसान होता है इससे, जन हानि और धन हानि भी बहुत होती है, तुम इन्हें सबसे अच्छे दिन कैसे कह सकते हो? सेठ जी ने यही प्रश्न सबसे छोटी बहू से भी पूछा। छोटी बहू बोली, पिताजी सब दिन अच्छे होते हैं, सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है, इनकी खूबसूरती एक दूसरे की वजह से ही होती है। यदि गर्मी ना होती तो सर्दी अच्छी ना लगती, यदि सर्दी ना होती तो गर्मी भी अच्छी ना लगती। पावस ऋतु का महत्व तो इन दोनों की वजह से ही बढ़ जाता है। हर दिन अच्छा है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सबसे अच्छा दिन वह है जिस दिन कोई शुभ कार्य किया जाए। शुभ कार्य से पर शादी या किसी मांगलिक कार्य से नहीं, बल्कि किसी मानवीय भावना से किए गए कार्य से है। जैसे किसी की मदद करना, किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, गरीब बच्चों को शिक्षित करना, किसी को भी दुख न पहुंचाना, न मानसिक न शारीरिक, किसी के अधिकारों का हनन न करना, ऐसे कार्य जिनसे मन को शांति मिले, सुकून मिले, जो अपने लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हों, दूसरों के हित के लिए हों, अपने लिए हों, तो सभी जीते हैं। जो दूसरे के लिए जिए वही सही अर्थों में सच्चा मानव होता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा सिखाया है, जियो और जीने दो। प्रत्येक प्राणी को जीवन का अधिकार है, इसमें किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि कोई दूसरे के जीवन को असुरक्षित और असहज बनाता है तो समर्थ व्यक्तियों को इसका विरोध करना चाहिए। बुरे कार्यों का विरोध उतना ही आवश्यक है जितने अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। यदि सभी लोग ऐसा करेंगे तो बुरे व्यक्ति भी गलत कार्य करने से घबराएंगे, डरेंगे। इससे एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके हम हर दिन को शुभ बना सकते हैं। हर दिन अच्छा दिन है, हर पल शुभ है, कल्याण की भावना से किया गया हर कार्य शुभ होगा। सेठ जी को छोटी बहू के उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने छोटी बहू को ही घर संभालने का उत्तरदायित्व देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने बताया कि सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं। तो बच्चे, सब दिन अच्छे होते हैं, हमें ज़रूरत है उन दिनों में अच्छे कार्य करने की और उन्हें समझने की। तो सेठ जी ने किस तरीके से निर्णय किया, अपने उत्तरदायित्व को निभाया। तो ये थी कहानी सबसे अच्छे दिन। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा।